वेलकम बैक एवरीवन टू इंग्लिश विंग्स। द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लैगरलॉफ, सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर, सेल्मा लैगरलॉफ वाज बोर्न ऑन द मैरबैकल इस्टेट इन वर्मलैंड कंट्री स्वीडन। हर फादर वाज अ सर्विसमैन। सेल्मा ट्रेन्ड एज अ टीचर एंड बिगैन हर करियर एज एन ऑथर एज अ साइड जॉब while working at a school in Landskrona. In 1895, she moved to Fallon, where she began supporting herself solely on her writing. So, उन्होंने सबसे पहले अपना करियर स्टार्ट किया एज अ टीचर, देन शी परस्यूड राइटिंग एज हर फुल टाइम पैशन और प्रोफेशन। इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स द चैप्टर इज अबाउट, द रैट ट्रैप समरी इज अबाउट अ मैन हु इज अ पेडलर। एक पेडलर के बारे में स्टोरी है जो कि स्ट्रीट पर वॉक करके चीज़ों को सेल करता है। ही हैज़ अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। उसका जो वर्ल्ड को देखने का तरीका है दैट इज़ वेरी पेसिमिस्टिक, मतलब बहुत नेगेटिव अप्रोच से हर चीज़ को अप्रोच करता है। द पेडलर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस, वो हमेशा से ऐसा नहीं था, एंड वॉज अ फाइन मैन बिफोर, पहले वो ऑप्टिमिस्टिक हुआ करता था। हाउएवर ड्यू टू मिसफॉर्चून, बुरी किस्मत के कारण, ही नाउ रिजॉर्ट्स टू सेलिंग रैट ट्रैप्स। अभी उसे रैट ट्रैप सेल करना पड़ता है, दैट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ट्रैप द रैट्स, बेगिंग एंड इवन स्टीलिंग टू सर्वाइव। या तो सेल करता है या बेग करता है या फिर स्टील करता है। मोर ओवर ही ऑल्सो व्यूज द वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप। उसे ये वर्ल्ड भी एक रैट ट्रैप से कम नहीं लगता है। ही बिलीव्स दैट मच सिमिलर टू द चीज वी पुट फॉर माइस, माइस को पकड़ने के लिए हम चीज पुट करते हैं रैट ट्रैप में, द वर्ल्ड ऑफर्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स टू लर्न अस। तो वर्ल्ड भी हमें एक लर्न करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, हमें फंसाने के लिए वैसे ही मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफर करता है। सो व्हेन वी फॉल फॉर दीज थिंग्स इट ट्रैप्स अस, और जब उन चीज़ों के अट्रैक्शन में हम पड़ जाते हैं तो दैट थिंग ट्रैप अस एंड टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम अस। इन दिस स्टोरी अ यंग जेनरस वुमन टेक्स इन द रैट ट्रैप सेलर। Thus, the generosity and kindness she shows changes his pessimistic take on life. तभी एक young generous woman उसके life में आती है who changes her outlook to see the life. This story teaches us about the essential human goodness we all must possess. तो उस woman के generosity के कारण, good qualities के कारण ही उस peddler का जो point of view था life को लेकर, that completely changed after meeting her. So let us start the text. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farm. तो big farm और store में beg करके उसे जो भी सामान मिलता उन wire से वो rat trap बनाकर sell करता। But even so the business was not specially profitable, उससे भी ज़्यादा कुछ profit होता नहीं था। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. दैट मीन्स उसे जिंदा रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए उसे बेग भी करना पड़ता था, स्टील भी करना पड़ता था और सेल भी करना पड़ता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वेर इन रैग्स, रैग मीन्स बहुत ख़राब कंडीशन में फटे पुराने कपड़े था। हिज चीक्स वेर संकेन, बहुत वीक था, खाना प्रॉपर नहीं मिलता था। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और आँखों में हमेशा हंगर ग्लीम करता था, शाइन करता था, उसके आँखों से ही उसकी भूख पता चलती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. तो किसी कोई भी imagine नहीं कर सकता कि कितना sad और monotonous, मतलब एक ही routine का life वो रहता था, appeared to a such a vagabond. Vagabond मतलब जो कि जिसका कोई आने जाने का जगह ना हो, जो कि उसका कोई destination नहीं है, वो बस ऐसे ही wander करते रहता जगह जगह। But one day this man had fallen into a line of thought, but एक दिन वो एक सोच में पड़ गया which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. अचानक एक दिन उसे rat trap को देखकर ख्याल आया कि ये world भी तो rat trap ही है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. Bait मतलब fish को पकड़ने के लिए जो bait लगाया जाता है fishing rod में, fish को पकड़ने के लिए, वैसे ही हमें अपने ट्रैप में फंसाने के लिए वर्ल्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें बेट करती है। इट ऑफर्ड रीचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पोर्क, एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, इट क्लोज इट ऑन हिम। जैसे ही कोई जाता है उसे पकड़ने के लिए, पाने के लिए, एज सुन एज ही गॉट देयर द रैट ट्रैप क्लोजेज,
एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तभी सब कुछ खत्म हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. क्योंकि वो ऐसा क्यों सोचता था, क्योंकि उसके साथ यही सब हुआ था. उसके साथ वर्ल्ड कभी भी काइंडली बिहेव किया ही नहीं था, वर्ल्ड उसे कभी अच्छा कुछ ऑफर किया ही नहीं. Sad of course have never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in his way. उसे कभी कुछ अच्छा मिला ही नहीं तो वो बुरा ही सोचता था. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. उसके लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जो इस जाल में फंस चुके थे, जो अपने आप को उस जगह पर ले गए एंड द वर्ल्ड केम टू एन एंड. और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो अभी उस जगह पर अभी भी जा रहे थे, दैट मीन्स दे आर अबाउट टू फिनिश. One dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a light grey cottage by the roadside. Roadside में उसे एक light grey cottage दिखा and he knocked on the door to ask shelter for the night. रात भर रुकने के लिए उसे एक जगह चाहिए था, क्योंकि he was a vagabond, उसके पास कोई destination नहीं था. Nor was he refused, उसे मना भी नहीं किया गया. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner who was an old man without wife or child was happy to give someone to take into his loneliness. ज़्यादातर लोगों को जब वो पूछता था घर के लिए तो सारे लोग उसे एक काफ़ी sour face देते थे, दैट मीन्स इग्नोर करना चाहते थे. बट ये जो ओल्ड मैन था उसका कोई फैमिली नहीं था एंड ही फेल्ट हैप्पी. Immediately put the porridge pot on fire. Porridge मतलब उसे food offer करने के लिए, and gave him supper, उसे dinner दिया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll से एक slice निकाला उसके लिए भी, that it was enough for both the stranger's pipe and his own. Stranger के लिए, that means the जो peddler था, और वो अपने लिए. Finally he got out an old pack of cards and played mazlis with his guest until bedtime. तो उसने वो गेम उसके साथ they played a game with each other and they slept. Then was as just generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at the Ramstow Iron Works and had worked on the land. तो वो गेस्ट को बताया गया, दैट मीन्स द ओनर ऑफ द हाउस, वो बताया कि वो यहाँ पे काम किया करता था आयरन वर्क्स में. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. तो वो अभी अपने आप को इस एज में कैसे सपोर्ट करता है, एक काउ से. Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day. वो हर रोज क्रीमी मिल्क देती थी, and last month he had received all of 30 kroner in payment. 30 kroner, that means यह एक करेंसी है, उसे मिला था. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. The 10 kroner bill उसे एक window frame के पास एक pouch में वो लगा कर रखा था, वो लेकर आया. These he held up before the eyes of his guest, वो guest के सामने लाया, nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch, दिखाकर वापस रख दिया. The next day both men got up in good seasons, काफ़ी अच्छे मूड में दोनों उठे. The crofter was in a hurry to milk his cow, वो अपने cow का milk लेने जाने वाला था. And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. घर का मालिक जा चुका है तो वो यहाँ पे गेस्ट होकर कैसे सो सकता है. They left the cottage at the same time. दोनों एक टाइम पे निकल गए. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with his tracked up said goodbye. वो भी यहाँ से निकल गया and thank you बोला. And thereupon each went his own way. दोनों अपने रास्ते निकल गए. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. फिर से वापस से घर पे आया. He did not try to get in, however, but अंदर नहीं गया. He only went up to the window, smashed a pane. खिड़की का जो विंडो था उसे वो ब्रेक किया. Stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. वो 30 kroner लिया. Took the money and thrust it in his own pocket, ले लिया. एंड देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन हिज प्लेस एंड वेंट अवे. और पाउच को फिर से जगह पर रख कर चला गया. एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इज पॉकेट, फील क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, काफ़ी खुश हुआ. ही रियलाइज ऑफकोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स. उसे पब्लिक हाईवे में वॉक नहीं करना चाहिए, उसे वुड्स में, जंगल में जाकर वॉक करना चाहिए. During the first hours this caused him no difficulty. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था वो. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. रास्ते जो थे वो काफ़ी ट्विस्टेड थे. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. वो घूम फिर कर एक ही जगह पर बार बार आ जा रहा था, तो दैट मीन्स ही वॉज कन्फ्यूज. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. ही हैड लेफ्ट हिमसेल्फ अ बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कॉट. उसे भी एक बेट ऑफर किया गया और वो उसमें फंस गया. The whole forest with its trunk and branches, his thickest and fallen logs closed in upon like an
इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एक्सपेल. इनपेनिट्रेबल दैट मीन्स जिसे वो अब कभी ओपन नहीं कर सकता है. वो ऐसे जाल में फंस चुका था जहाँ से वो खुद को नहीं निकाल पा रहा था और वहाँ कोई नहीं था उसको हेल्प करने के लिए. इट वॉज इन दिसंबर. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्रूम एंड डिस्पेयर. दिसंबर का मंथ था, मतलब काफ़ी विंटर सीजन, जल्दी डार्क हो गया, तो काफ़ी वो ग्लूमी हो गया, सैड हो गया, डिस्पेयर हो गया. फाइनली सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर टू डेथ, थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड एज रेगुलर थंपिंग. देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज. ही रेज्ड हिमसेल्फ. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल. आयरन मिल से एक हैमर स्ट्रोक का आवाज़ आ रहा था. ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो उसे लगा वहाँ कोई ना कोई होगा. ही समॉन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. चिल्लाने लगा और आवाज़ देने लगा कि कोई हो वहाँ पे. द रैम्स ऑफ आयरन मंग विच आर नाउ क्लोज डाउन वेयर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रनिंग मिल एंड फॉर्ज. वही आयरन मंग था जहाँ पे वो जो घर का ओनर था काम किया करता था. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हेवीली लोडेड ब्रैगेज एंड स्काउस स्लाइड डाउन द कैनल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक. एंड द विंटर टाइम रोड नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच शिफ्टेड डाउन द बिग चारकोल क्लेट्स. तो विंटर टाइम में जो रोड होते थे वो ब्लॉक हो जाते थे चारकोल के कारण. During one of the long dark evening just before Christmas, Christmas के पहले ही, the master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration. Though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो ये वो वहाँ का जो आदमी था जो अभी pig iron को melt कर रहा था वहाँ बैठा हुआ था. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fireball boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. जो fire boy था जो कि उसे stir कर रहा था iron को, वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ produce कर रहा था. Outside roared the waterfall. Waterfall का आवाज़ आ रहा था, sharp north wind का आवाज़ आ रहा था. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. इतना आवाज़ होने के कारण ही वो समझ नहीं पाया कि जो पेडलर था वो गेट ओपन करके एंड एंटर द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और वो फर्नेस के पास आ चुका था.